हेलो एवरीवन, आई एम आंचल मलिक, सिस्टर ऑफ शिवम मलिक। एंड जब मैंने मेरी फर्स्ट वीडियो अपलोड करी थी, उस टाइम पे मुझे बहुत सारे लोगों ने अपनी स्टोरी शेयर की थी, रियलिटी बताई थी एंग्लो ईस्टर्न की एंड शिपिंग इंडस्ट्री की। एंड एट दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि इस इंडस्ट्री में, लाइक एवरी अदर इंडस्ट्री, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बट द थिंग इज़ नोबडी इज़ अड्रेसिंग दोज प्रॉब्लम्स। लोग एक अलग फेक सिनारियो दिखा रहे हैं, दे आर जस्ट शोइंग एवरीथिंग नाइस जो बोर्ड पे होता है, पर जो एक्चुअली में लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बोर्ड पे शिप से उतर के, वो डिसीज्ड सी फेयरर्स की फैमिली जो फेस कर रही है, उसको कोई अड्रेस करना नहीं चाह रहा। सो उस टाइम पे ही, आई गेस जनवरी और फेब्रवरी के अराउंड ही, आई डिसाइडेड कि आई विल ओपन एन NGO। बट आई वॉज इन टच विथ सम यूनियंस एंड MUI, नूसी और इस्वान नहीं, बिकॉज इन लोगों ने मेरी कोई हेल्प नहीं की। दे जस्ट सेड आपको कंपनसेशन चाहिए तो हम दिलवा देंगे, उसके अलावा जस्टिस में हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। नन ऑफ देम हेल्प्ड मी, बट देर आर सम लोकल यूनियंस जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। एंड उन्होंने मुझे ये चीज़ समझाई कि सी फेयरर्स को NGO की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज NGOs इज़ बेसिकली फॉर पुअर्स, फॉर दोज हु कैन नॉट अफोर्ड सर्टेन थिंग्स, पर सी फेयरर्स ऑलरेडी बहुत कमाते हैं, सो उनको NGO की ज़रूरत नहीं है। सो देन वी डिसाइडेड कि आई डाइवर्टेड द होल प्लान टू एन एसोसिएशन। And today on Shivam's 25th birthday, I am introducing to you all an association for shivam.com. ये association का objective रहेगा to help the family of deceased seafarers basically, and to help every seafarer. And yes, most importantly, ये association किसी से भी कोई भी donation नहीं लेगी। सो इनिशियली प्लान ये था कि बिकॉज बहुत लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे, बहुतों ने कमेंट करे, एड्स क्यों चलाए हैं वीडियोस पे, आप एड्स से, आप एड्स डाल रहे हो, आप एड्स से कमा रहे हो, पता नहीं क्या क्या। सो द इनिशियली द प्लान वॉज कि जो एड्स से जो भी रेवेन्यू आएगा, दैट वी विल यूज़ टू रन दिस एसोसिएशन, टू रन द वेबसाइट। बट मेरे पास में इतना टाइम नहीं होता है, आई हैव माई ओन वर्क, आई हैव माई ओन फैमिलीज केस को भी देखना होता है, सो आई कैन नॉट अपलोड वीडियोज़ एवरी वीक, एंड दैट इज़ वाई वी कैन नॉट रिलाई ऑन एड्स का रेवेन्यू। एंड एज अ रिजल्ट, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे फादर, हम तीन लोग मिलके एवरी मंथ हमारे प्रॉफिट्स में से 13% डोनेट करेंगे टू दिस एसोसिएशन, एंड दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू रन दिस एसोसिएशन। सो आई एम क्लियरिंग इट अगेन, ये एसोसिएशन कभी भी किसी से भी कोई डोनेशन नहीं लेगी, मेरी फैमिली एसोसिएशन को रन करेगी, बिकॉज दिस इज़ फॉर शिवम एंड द नेम ऑफ एसोसिएशन इज़ ऑल्सो फॉर शिवम, द वेबसाइट इज़ forshivam.com. Now, if the most important thing is कि ये वेबसाइट क्यों, ये एसोसिएशन क्यों, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सो इसका ऑब्जेक्टिव तीन है। फर्स्ट इज़ टू शेयर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर सी फेयरर्स, वो इन्फॉर्मेशन जो सी फेयरर्स को पता होनी चाहिए थी पर कभी किसी ने उन्हें बताई नहीं, वो इन्फॉर्मेशन जो उनकी फैमिली को पता होनी चाहिए थी अपने राइट्स के लिए लड़ने के लिए। Then to help the lower level crews, because one thing that I have realized is कि cook है, messman है, fitter है, इनकी कोई help नहीं करता, इनकी कोई नहीं सुनता, so that is another objective to help them. Third is to expose Anglo-Eastern, which is my all-time objective. So ये लड़ाई मैंने start की है तो मैं इसे end तक ज़रूर लेके जाऊँगी, हमारी ये लड़ाई चलती रहेगी। अभी तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इसके अंदर रिजल्ट आ रहा है, बिकॉज पुलिस हैज़ फाइनली स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन। नाउ आई एम श्योर ये चमचों को भी अब तक तो पता चल गया होगा वॉट एग्जैक्टली इज़ अवर ऑब्जेक्टिव, वॉट इज़ अवर ट्रूथ, वॉट इज़ अवर ऑनेस्टी, एंड हमें कंपनसेशन नहीं चाहिए तुम्हारा। एंड यस, शिवम वॉज द मोस्ट काइंड हार्टेड, मोस्ट हेल्पिंग, मोस्ट लविंग पर्सन, एंड आई एम श्योर कि अगर शिवम आज होता तो उसको ये आइडिया बहुत अच्छा लगता, एंड दैट इज़ वाई मैंने उसके बर्थडे पे ही ये लॉन्च करने का डिसीजन लिया था। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद एवरी वन, प्लीज़ शेयर द वेबसाइट विद एवरी वन, एंड उसमें मैंने कॉन्टैक्ट अस में अभी के लिए खाली ईमेल ही डाला है, एंड आई एम बाइंग अनदर नंबर, वो भी हम उसके अंदर ऐड कर देंगे, यू कैन कॉल अस देयर एज वेल। फाइनली ऑन शिवम्स बर्थडे टुडे, आई प्रे फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि कैप्टन रणवीर थालोत,
तुझे तेरे कर्मों की सजा बहुत जल्द मिले, बहुत जल्द मिले। एंड तेरी लाइफ में अब जो भी बुरा हो ना, उसमें यही समझ लेना कि तेरे को तेरे कर्मा वापस मिल रहा है।